एक बड़ी खबर आपको बताएं, जयपुर में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, झोटवाड़ा थाना इलाके की यह घटना। घटना के बाद आरोपी हुआ मौके से फरार, बालिका के पड़ोस में रहता था आरोपी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया मामला, पीड़िता का मुंह बोला मामा है आरोपी। अब झोटवाड़ा थाना पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। और सत्यनारायण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, बालिका का जानने वाला था ये आरोपी? जी बिल्कुल, बालिका झोपड़ा इलाके में इस मकान में किराए पर रहती थी अपने माता पिता के साथ में, और जो आरोपी है, आरोपी भी मकान के बिल्कुल पास में किराएदार के रूप में रहता था। कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दोपहर में जब घर पे कोई नहीं था, उसके बाद में वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी फरार चल रहा है। ऐसे में जयपुर शहर के तमाम थानों में आरोपी के चित्र भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि जो पीड़िता है उसका मुंह बोला मामा, यानी कि मामा मामा कहते उसको बुलाती थी, लेकिन उन्होंने शायद रिश्ते की अहमियत को समझा नहीं। अब फिलहाल पुलिस के अधिकारी आरोपी की तलाश कर रहे हैं, जिससे कि उसको कानून के लिए दबा जा सके। खुशबू बिल्कुल लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया सत्यनारायण इन तमाम जानकारियों के लिए।